हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मेयोनीज सैंडविच, जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खासकर बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम ले लेते हैं हरा धनिया, जो कि हमने पहले धुल लिया था। अब ले लेंगे एक छोटी कटी हुई प्याज, एक छोटा कटा हुआ टमाटर, तीन से चार ग्रीन चिली और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप ग्रीन चिली कम ही डालें। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब चटनी देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी चटनी अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। हमने पहले से ही लेमन के बीज निकाल लिए हैं और ये इसमें थोड़ा सा जूस ऐड कर लेंगे। तो इसमें लेमन का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हमने पहले ही कुछ वेजीज चॉप करके रख ली हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक खीरा कद्दूकस किया हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक ऑनियन बारीक कटी हुई और एक टमाटर बारीक कटा हुआ। अब हम चौड़े स्लाइस की ब्रेड लेंगे और इनकी किनारियों को काट लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इनकी किनारियों को काट लिया है। तो अब चलिए इस पे स्टफिंग करेंगे। अब हम एक स्लाइस लेकर उस पर मेयोनीज लगा लेंगे। अगर आपको मेयोनीज नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह सेजवान चटनी या कैरेट टमाटो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन पर चॉप्ड वेजीज डालेंगे और इन वेजीज को हमें इन पर फैलाते हुए डालना है। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह ही डाल देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इनको अच्छे से डाल लिया है। अब हम एक स्लाइस लेंगे जिस पर हमने पहले से ही मेयोनीज लगाई हुई है और इसको इसके ऊपर रख देंगे और उसको थोड़ा सा दबा देंगे। हम एक और स्लाइस लेंगे और उस पर चटनी लगा लेंगे। हम एक साइड चटनी थोड़ी कम ही लगाएंगे क्योंकि अभी हम दूसरी साइड भी दूसरे स्लाइस पर चटनी लगानी है। सो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए, अब हमने इस पर स्टफिंग डाल ली है। अब हमने ये जो पहले से ही मेयोनीज लगाए हुए रखे थे इस पर एक तरफ चटनी लगा लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हमने एक साइड चटनी लगा ली है। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए दबा देंगे। अब इन्हें ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। हम इनको थोड़ा सा धीरे धीरे ही काटेंगे और हाथ का दबाव रखते हुए काटेंगे। ये हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इनको थोड़ा सा बटर के साथ सेकेंगे। हमने पैन गरम कर लिया है। अब इस पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको फैला लेंगे। अब इसमें हम लगभग एक मिनट तक इन सैंडविचेस को सेक लेंगे। कुछ इस तरीके से हम सैंडविच को सेक लेंगे। सो गाइस, हमने इसमें वेज का ज़्यादा यूज़ किया है तो ये हमारे बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं सैंडविच और बहुत ही टेस्टी भी। ये हमारे देखिए सैंडविच एक तरफ से सिक गए हैं, हमने इनको पलट दिया है। इसी तरीके से हमने बाकी सैंडविचेस को भी बना लिया है। अब हमारे हेल्दी और टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए सर्व करते हैं।